आदित्य कुंद्रा फ्रॉम आदित्य गिटार लेसन्स. आज हम सॉन्ग सीखेंगे. इट्स इट हैज बीन सॉन्ग बाय दर्शन रावल एंड सॉन्ग का नाम है हवा बनके. बट बिफोर वी गेट इनटू द लेसन, मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा. पहली चीज़, मैंने अपना गिटार कोर्स स्टार्ट किया है जिसका नाम है लर्न गिटार इन 30 डेज. तो उसका जो लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा एंड यूट्यूब की प्लेलिस्ट में भी अगर आप देखेंगे मेरे, तो उसमें आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी लर्न गिटार इन 30 डेज. तो उसमें कुछ 66 वीडियोज हैं एंड इट्स द एब्सोल्यूट राइट वे टू लर्न हाउ टू प्ले गिटार, राइट? सो अगर आप किसी को जानते हैं जो गिटार सीखने में इंटरेस्टेड हैं, उनके साथ वो लिंक जरूर शेयर करेगा. एंड सेकंड थिंग विच आई वांटेड टू टेल यू इज द फैक्ट कि मैंने अपनी वेबसाइट भी स्टार्ट करी है जिसका नाम है adithgitarlessons.com. एंड मेरे सारे सॉन्ग्स जो हैं उन सब के रिटन टैब्स, लिरिक्स, कॉर्ड्स, प्लस लॉट ऑफ अदर इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स अबाउट म्यूजिक थ्योरी एंड कुछ म्यूजिक टूल्स वगैरह भी आपको उस वेबसाइट में दिखेंगे. सो प्लीज़ चेक दैट वेबसाइट आउट. ओके, सो कमिंग टू दिस सॉन्ग, इसमें हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे. पहली चीज़ तो है इसकी जो रिदम सेक्शन है, तो इसकी फिंगर पिकिंग एंड जो स्ट्रमिंग है. एंड सेकेंड चीज़ हम बात करेंगे इसका जो इंट्रो का टैब है, वो थोड़ा सा मैंने फ्लूट का टैब है असल में, बट आई हैव प्लेड इट ऑन द गिटार. तो मैंने सोचा आपको मैं एक सेकेंड तो मैंने सोचा उसको वो भी आपको बता दूंगा. ऑलराइट, सो ये जो सॉन्ग है ये बेसिकली ई एओलियन स्केल में है, बेसिकली ई माइनर, ठीक है, जिसको आप जी आयोनियन भी बोल सकते हैं या जी मेजर का स्केल भी बोल सकते हैं. सो ये ई माइनर कॉर्ड्स जो है बेसिकली ई माइनर यूज हुए हैं, ई माइनर, सी मेजर, जी मेजर, ठीक है. तो ये सारे जी मेजर स्केल या जैसे कि मैं बोला ई एओलियन स्केल के हैं. तो कॉर्ड्स वगैरह जो होंगे वो आपने कवर में देख लिए होंगे. तो इसकी जो रिदम सेक्शन है, रिदम सेक्शन में आते हैं. रिदम सेक्शन में दो चीज़ें मैं बजा रहा हूँ, एक मैं फिंगर पिकिंग कर रहा हूँ, एक मैं कॉर्ड्स स्ट्रमिंग बजा रहा हूँ. तो जो फिंगर पिकिंग है, विच समथिंग विच आई ऑलवेज से डज नॉट मैटर कि आप क्या पैटर्न बजाते हैं. द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि जहाँ पे कॉर्ड चेंज हो रही है वहाँ पे आपको कॉर्ड को चेंज करना है और उसका रूट नोट बजाना है या उसका बेस नोट बजाना है. तो अगर ई माइनर कॉर्ड है तो आप ई का ई रूट नोट जो होता है टॉप स्ट्रिंग वो बजाएंगे. फिर बाद में आप कुछ भी प्ले कर लीजिए. डी मेजर आती है तो आप डी का बेस नोट बजाइए या रूट नोट, फिर कुछ भी प्ले कर लो सी मेजर में. यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है. तो इट डज नॉट मैटर. मैं फिंगर पिकिंग पैटर्न जो प्ले करता हूँ जनरली, मैं टॉप स्ट्रिंग पे स्टार्ट करता हूँ, मतलब जो बेस नोट का स्ट्रिंग है उससे स्टार्ट करता हूँ, फिर उसके नीचे स्ट्रिंग नोट 1 2 3. मैं थोड़ी कभी कभी डबल पिकिंग करता हूँ, दो स्ट्रिंग्स एक साथ पिक करता हूँ. बट वंस अगेन, डज नॉट मैटर, आपको मेरा प्ले करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी प्ले कर सकते हैं. दैट्स द ब्यूटी ऑफ फिंगर पिकिंग, राइट? अगर आप फिंगर पिकिंग और सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में आप काफ़ी सारे वीडियोज देखेंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं. जस्ट सर्च फॉर फिंगर पिकिंग ऑन माई चैनल. चलिए, जो स्ट्रमिंग है, स्ट्रमिंग में क्या करता हूँ, इसके बिगिनिंग में दो छोटी सी रिफ्स हैं. ठीक है, सही है. ओ सॉरी, आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग, मैंने इसमें केपो थर्ड फ्रेट में लगाया हुआ है, ठीक है, तब जाके ये ई माइनर बनता है. असल में ये सॉन्ग जो है जी माइनर में है, लेकिन केपो लगा के बिकम्स एन ई माइनर, राइट? सो हम जो रिफ बजा रहे हैं वो है basically second string का 5th fret, then 7th fret, then a 3rd fret, 5 5 7 3. ये तीन बार बजेगा, 5 5 7 3, 5 5 7 3, 5 5 7 3, then this is 7 8 7 8 5 5 5 7 3 5 5 7 3 5 5 7 3 5 5 7 3 7 8 7 8 5, ठीक है. फिर उसके बाद एक फ्लूट बजती है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है. तरीके से है, ये आपको हो गया 9th फ्रेट ऑफ द 3rd स्ट्रिंग, 9 11 12 9 11 12 3rd string में, then 10th 2nd string, then 12th 2nd string,
12, 10, 12, 12, 10, 12. Once again, third string pain, 9, 9, 11, 12. Then second string mein 10 and 12 ke beech mein hoega. Right? Then first string ka, this is the 10th fret. Then second string ka 12th fret. Then 10th fret. Then 8th fret. Frets is pretty confusing. 10, 10, 8, 10, 10, 12, 10, 8. Jo tabs hoenge meri website mein dekh lena, it'll be a lot easier. Agar aap written dekhenge to shayad zyada samjhenge. But anyways, once again. Third string ka humne start kiya tha. 9, 11, 12. Then second string ka 10. 12, 12, 10, 12, 10, 10, 12, then 10th of the first string, 12th second string, 10th second string, 8th second string, 10th, 10, 10th, 8, 10, 10, then 12, 10, 8. ठीक है, ये दो बारी बजता है, फिर एंड में बजता है. तो ये है अपना 7 8 7 5. मैं क्या करता हूँ, 7 8 पे मैं हैमर एंड पुल ऑफ करता हूँ बेसिकली. राइट, समथिंग लाइक दैट. रिटन टाइम्स जो होंगे मेरी वेबसाइट में देख लेना. Right, so I hope you enjoyed that lesson. Once again, please remember ki I started that course, Learn Guitar in 30 Days. Link niche hoega description box mein. Do check that out. And meri jo website hai, usme sare written chords, tabs, lyrics hoenge. Check that out as well. Right, so this is Aditya Kundra. I'll be seeing you in the next video. Take care. Bye.